नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। और दोस्तों, 3 हफ्ते हो चुके हैं, लगभग कोई वीडियो नहीं डाला, काफ़ी एक बार लेट कर दी और क्या करें, कोई काम में अटक गया था, थोड़ा बिजी हो गया था। पर खैर, प्रॉब्लम बहुत सारी आई है लोगों की और आज भी हम कैंसर और कोलोस्टोमी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कोलोस्टोमी की सर्जरी के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना, आज के टॉपिक ये है। जब डॉक्टर हमें बता देते हैं कि आपको रेक्टम या कोलन कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो आपको कोलोस्टोमी की सर्जरी करनी पड़ेगी, तो क्या हमें सर्जरी करनी चाहिए और सर्जरी करने से क्या दिक्कत आ सकती है या तो सर्जरी करना सही होगा, तो ये टॉपिक के ऊपर हम वीडियो पे बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि सर्जरी करनी पड़ेगी कोलोस्टोमी के लिए। तो ये कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले एटलीस्ट ये वीडियो देख लेना। तो दोस्तों, बहुत ही मुश्किल की घड़ी आ जाती है जब पता चलता है कि हमें कैंसर है, और उससे भी ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाती है जब डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको कोलोस्टोमी की सर्जरी करनी पड़ेगी। और 90% से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता है कि कोलोस्टोमी होता क्या है। और दोस्तों, इससे बहुत ही कन्फ्यूजन भरी स्थिति आ जाती है जब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनको एक कोलोस्टोमी बैग लगेगा जिसमें हमेशा स्टूल कलेक्ट होगा और वो ज़िंदगी भर रहेगा, टेम्प्रेरी भी रह सकता है और ज़िंदगी भर भी रह सकता है, वो डिपेंड अपॉन द सर्जरी क्या होने वाली है। पर सुन के बहुत ही अटपटा लगता है कि ऐसा लगता नहीं है कि इससे कोई सर्वाइव कर सकता है, ऐसी भी ज़िंदगी जी सकता है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि क्या ऐसी सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और मैं क्या इस सर्जरी के साथ नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो या तो सर्जरी के लिए नहीं जाते, या तो पोस्टपोन कर देते हैं, या तो डिले कर देते हैं, या तो कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, और जिससे उनका कैंसर का बहुत ही नुकसान होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो दोस्तों, आप भी ऐसा सोचते हो कि ये सर्जरी कराने से अच्छा तो मैं कोई दूसरा ट्रीटमेंट करा लूँ, या तो कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा लूँ, या तो ये सर्जरी डिले कर दूँ, या तो डॉक्टर को बोल दूँ कि मुझे ये सर्जरी करानी नहीं है, आप कोई दूसरा ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं सच बोलूँगा कि आप बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ठीक होना है, सच में ठीक होना है, तो आपको ये सर्जरी करवा ही लेनी चाहिए। आप कोई भी टाइम डिले ना करें, आप कोई भी इधर उधर ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल ना जाए, कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पे आपको ऐसा अश्योरेंस दिया जाता है कि हम आपको बचा लेंगे बिना ये सर्जरी के, तो बहुत हद तक वो आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, या तो बहुत चांसेस है कि वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको फ़ायदा हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको परमानेंटली इस चीज़ का कैंसर को पूरी तरह से हटाना चाहते हो और डॉक्टर ने आपको कोलोस्टोमी ही सजेस्ट किया है, तो आप कोलोस्टोमी के सर्जरी के लिए बिल्कुल जाइए। अगर आपको ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो अलग बात है, तो फिर तो आपको कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। पर आपको सच में अगर आगे जीना है और आपको सच में एक हेल्दी लाइफ, या आप बोल सकते हो कि एक सामान्य कॉमन लाइफ जैसी आप सोचने की अभी भी इच्छा है, तो बिल्कुल कोलोस्टोमी की सर्जरी के लिए जाइए। आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और क्या नहीं आएगी पक्का। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोलोस्टोमी के साथ में और बैग के साथ में हम कैसे रह पाएंगे और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो एकदम बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़िंदा रहोगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है आपकी। अगर आपको ज़िंदा रहना है और आपको देखना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी बाद में, तो उसके लिए तो एटलीस्ट आपको सर्जरी करनी पड़ेगी ना। आप पहले से ही कैसे जज करके बैठे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों, आप किसी भी कोलोस्टोमी पेशेंट को जाके पूछ लो जिसने 2 या 3 साल से कोलोस्टोमी हैंडल कर रहा है, उसको पूछ के देखो, तो वो आपको यही बोलेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, पर आप अभी तक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता तब तक ये सोचना बिल्कुल ही बहुत ख़राब है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी बिगड़ जाएगी। जब तक मेरी भी ये सर्जरी नहीं हुई थी तो मेरे भी ये दिमाग में कन्फ्यूजन था कि मैं सच में क्या एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगा। पर दोस्तों, आज लगभग 6 या 7 साल हो चुकी है
और मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि मैं बहुत ही कॉमन लाइफ जी रहा हूँ। इनफैक्ट जो कॉमन लोग होते हैं उनसे भी ज़्यादा मैं बेटर वर्क कर सकता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो कुछ भी चेंज नहीं होता, बस आपकी मेंटेलिटी है। और थोड़ा सा कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आपको ज़िंदगी मिल रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और दोस्तों बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको कैंसर से बचने का एक मौका मिलता है, मतलब जिनको सेकेंड लाइफ जीने का मौका मिलता है। और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, मैं तो थोड़ा भी नहीं बोलूँगा, पर फिर भी अगर दिमाग में आपके कन्फ्यूजन है तो फिर भी अगर आपको सेकेंड लाइफ मिल रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जान है तो जान है यार, उन लोगों को जाके पूछो जिनको डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आप 2 महीने के मेहमान हो या 3 महीने के मेहमान हो। अगर उनको जाके आप पूछोगे कि कोलोस्टमी जैसी या तो कोई भी ऐसी सर्जरी जहाँ से उनका कोई एक पार्ट निकाल के कुछ भी ऐसे कर दे, वो हंसते हंसते कबूल कर लेंगे। क्योंकि इंसान को जब जान पे आती है ना तो वो हर चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोलोस्टमी चीज़ मेरी लाइफ में आ गई है, दोस्तों किसी के भी लाइफ में अगर जान पे किसी के भी आ जाएगी ना तो कोई भी चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोलोस्टमी आ गई तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। यार किसी के लाइफ में भी ये कैंसर आता और ऐसा ऑप्शन डॉक्टर ने रखा होता उनके सामने कि कोलोस्टमी जैसा, तो वो भी कबूल करते ही, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ये एक मजबूरी समझ लो या तो एक पॉसिबल तरीका है जिसके वजह से उनको बचाया जा सकता है। और उससे भी काफ़ी हद तक, या तो मेरी बात मानो तो पूरा 100% हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि डिसेबिलिटी आ जाती है भाई, क्या कैसी ज़िंदगी जिएंगे। तो दोस्तों मेरे भाई, ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो किसी को दिखेगी नहीं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि चलो ठीक है आपको एक डिसेबिलिटी आ गई, पर ये भी जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। जब किसी को पता ही नहीं चलना है तो वो डिसेबिलिटी तो आप तक ही रही ना, लोग तो ये नहीं सोचेंगे कि आप डिसेबल हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ बोल सकते हो कि चलो ठीक है आपकी लाइफ में कोलोस्टमी है, पर फिर भी यार आप नॉर्मल लोगों के सामने तो नॉर्मल ही हो ना। अगर आप नॉर्मल बिहेव करते हो और नॉर्मल दिखाते हो तो सच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी लाइफ वैसे ही रहने वाली है। जो मुझसे मिलते हैं उनको आज तक ये नहीं पता चला कि मैं कोलोस्टमी पेशेंट हूँ, जब तक मैं खुद सामने से नहीं बताऊँ, तो मैं उनके नज़र में तो कॉमन इंसान हूँ ना, ऐसे सोचो। और दोस्तों लोग डरते बहुत है, सोचते हैं कि मुझे बीमारी आ गई, मुझे कैंसर आ गया, मैं अब मैं मर जाऊँगा। तो दोस्तों मेरे भाई, कौन सा ऐसा इंसान है जो पैदा होने के बाद में मरेगा नहीं। दोस्तों दुनिया का सबसे तंदुरुस्त इंसान भी, उसको भी मरना है। तो तुम ऐसे मत सोचो कि यार मुझे बीमारी आई है तो मुझे ही मरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सबसे तंदुरुस्त है वो भी मरेगा। और मैं तो अपना एग्जांपल क्या दूँ, मेरे सामने तो अच्छे खासे हट्टे खट्टे लोग थे, वो भी अभी टपक गए, फिर भी मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो नहीं बता रहा हूँ, पर बोलने का वही मतलब है कि मरना और जीना वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, तो उसे आप उस पर ज़्यादा दिमाग भी मत लगाओ। वो एक अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही सोच है, उस लेवल तक आप पहुँच गए तो ये इतना तो सोचोगे भी नहीं, तो इतना मत सोचो। बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ और कोलोस्टोमी की सर्जरी के लिए बिल्कुल जाओ अगर आप ठीक रहना चाहते हो आगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोचते होंगे कि यार कोलोस्टोमी के बाद में क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, मेरी क्या शादी हो पाएगी, मुझे क्या लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, अगर तुम्हारे नसीब में अगर कुछ लिखा है ना तो उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर नसीब में नहीं है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले वो आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आप इतना लेवल तक आप सोच सकते हो तो आपको भले ही कुछ भी हो जाए आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब चीज़ नसीब का खेल है। अगर आपकी जो नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, और जो है वो दुनिया की कोई ताकत आपसे ले नहीं पाएगी, समझे मेरे दोस्त, ऐसे सोचो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे। अगर आपको डॉक्टर ने ऐसी सर्जरी के लिए
बोल दिया है तो बिल्कुल मैं अपनी ओपिनियन से बता रहा हूँ कि बहुत हद तक कॉमन लाइफ जी जा सकती है। और बिल्कुल टेंशन ना ले, आप अगर डॉक्टर ने बोला है तो बहुत हंसते हंसते इसकी ट्रीटमेंट के लिए जाइए। थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी तो ऑब्वियसली, कोई भी ट्रीटमेंट में तकलीफ आती है तो कैंसर का ट्रीटमेंट है तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा तकलीफ आती है, पर क्योंकि बीमारी बड़ी है तो ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली थोड़ा सा तकलीफदायक होता है, पर कुछ समय के लिए होता है, पर बाद में ठीक हो जाता है। ऐसे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत ही होप के साथ में जाइए और ऊपर वाले को याद करते रहिए, क्योंकि सारी मुसीबत वो ही कम करेगा आपका। इंसान में इतनी ताकत नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर में ताकत है, बस वो एक माध्यम है आपको ठीक करने के। तो इसीलिए ऊपर वाले को याद करते रहिए, जो होगा अच्छा होगा, बुरा होगा सब उसकी दुआ से ही होगा। तो ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना। आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई सवाल हो तो उसको कमेंट करना, आप हमेशा की तरह वेलकम हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कोलोस्टोमी से रिलेटेड तो पहले तो मेरे पुराने वीडियोस देखना। बहुत सारे लोग होते हैं मुझे कॉल तो कर लेते हैं क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में उनको नंबर दिया है, तो कॉल तो कर सकते हो आप। कोशिश करें कि पहले व्हाट्सअप करें, बिल्कुल कॉल डायरेक्ट ना करें, क्योंकि आप समझते नहीं हो, क्योंकि मैं अभी बिज़ी रहता हूँ। डायरेक्टली आप कॉल कर देते हो और अपनी कहानी सुनाने लगते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि डायरेक्टली आपका सवाल जवाब का दे। तो आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपसे बात भी करूँगा, पर एक टाइम के हिसाब से आप मुझे कॉल कीजिए। और आप पुराने वीडियोज़ देखो, मैं सच में पुराने वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मुझे पूछते हो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। केमोथेरेपी, रेडिएशन, कोलोस्टोमी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो वीडियोस देखो, डायरेक्टली कॉल मत करो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं तो उनको देखो, और बहुत सारे वीडियोस और भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो मुझे लोगों ने पूछे हैं मैं एक जनरल वीडियो के हिसाब से आपको बना के दिखाऊँगा, और क्या एक मेरी ओपिनियन है उन सब टॉपिक के ऊपर। तो वो वीडियोस बहुत जल्दी आगे आएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। और यार सच में चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अगर नए वीडियोस की अपडेट्स नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नॉर्मली अपडेट्स नहीं मिलेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली वीडियोस तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियोस नहीं डाले। यार वीडियोस तो डालते रहते हैं पर लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो पता नहीं चलेगा उनको, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।